हेलो नमस्कार फ्रेंड, आज की वीडियो में देखिए हम इस बोर्ड वायरिंग कर बताने वाले हैं। तो देखिए इस बोर्ड के अंदर इसमें दो 5 पिन लगाए हैं। देखिए ये दो 5 पिन हो गया, ये 4 स्विच हो गया और ऊपर से एक इंडिकेटर और एक फ्यूज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी अगला वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब चलते हैं इसे वायरिंग कर आपको स्टेप बाय स्टेप कर दिखाते हैं। तो देखिए इस बोर्ड को सबसे पहले पलट लिए हैं और पलटने के बाद देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इस बोर्ड में देखिए ये जो 4 स्विच लगा हुआ है, चारों स्विच के ये जो ऊपर का टर्मिनल है इसे सबसे पहले ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद देखिए हम ऑलरेडी सब पहले से ये जो तार है रेडी कर रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो सके दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है कि ऊपर वाले टर्मिनल में बारी बारी से इसे चारों स्विच में इसे कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से ये जो स्विच का टर्मिनल है इसे फुल टाइट कर देना है। तो इस तरह से देखिए चारों स्विच का टर्मिनल को फुल टाइट कर दिए हैं। अब क्या करना है कि ये जो तार बचा इसी तार से यहाँ जो फ्यूज से ऊपर से जो मेन लाइन होकर आता है इसमें कनेक्शन करना है। और ये जो इंडिकेटर आपको बता रहे हैं इंडिकेटर को भी इसे ग्लो करने के लिए इसको भी प्लस माइनस का लाइन चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये जो फ्यूज को जो कनेक्शन कर रहे हैं यहीं से एक वायर हम उठा लेते हैं इंडिकेटर के लिए। तो देखिए यहाँ इस फ्यूज पर जो इसका टर्मिनल है इसे फुल टाइट कर दिए और एक टर्मिनल जो इंडिकेटर का है नीचे से इसमें हम इसका लाइन दे दिए। तो देखिए एक इसका मेन लाइन चल गया और इसे टाइट कर दिए। तो देखिए अब क्या करना है कि जो फ्यूज का ऊपर से एक टर्मिनल बचा इसे जो मेन लाइन आएगा उस मेन लाइन को यहाँ से दिए और इसे टर्मिनल को फुल टाइट कर लिए। यही टर्मिनल से मेन लाइन आता है और सारे बोर्ड में जाता है। अब देखिए क्या करना है कि ये जो सॉकेट है इस सॉकेट को हम स्विच से ऑन ऑफ कराने के लिए क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाले स्विच है उसका नीचे के टर्मिनल में इसे कनेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसका स्विच का टर्मिनल में जो कनेक्शन होता है इसे फुल टाइट कर दिए। और अब क्या करना है कि इस सॉकेट का एक टर्मिनल में जाकर इसे भी कनेक्ट कर इस टर्मिनल को स्क्रू ड्राइवर से फुल टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि एक स्विच का कनेक्शन हो गया। अब उसी तरह से दूसरे स्विच को भी कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे स्विच को कनेक्शन करने के लिए क्या करना है कि इस तरह से एक वायर लेंगे और वायर को क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले स्विच से नीचे वाले टर्मिनल में इसे कनेक्ट कर देंगे और स्क्रू ड्राइवर से देखिए इस तरह से टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद देखिए ये चल जाएगा 5 पिन सॉकेट में। तो देखिए यहाँ से इसे कटिंग कर लिए और कटिंग कर छील लेते हैं। और छीलने के बाद क्या करना है कि ये जो 5 पिन सॉकेट है इस सॉकेट को एक टर्मिनल में इसे इन कर देना है। और इन करने के बाद देखिए इस तरह से इसे भी फुल टाइट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो कनेक्शन है दोनों 5 पिन सॉकेट का एक एक कनेक्शन हो चुका है और दोनों सॉकेट में एक एक टर्मिनल बच गया है। ठीक है, तो दोनों टर्मिनल में बचा हुआ टर्मिनल है उसको हम न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए देखिए हम ब्लैक वायर का प्रयोग कर रहे हैं, ये हम इसे न्यूट्रल बनाएंगे जिसे कॉमन भी कहते हैं। तो देखिए इस तरह से नीचे वाले में इसे फुल टाइट कर दिए और ये जो ऊपर वाला का एक सॉकेट है उसमें भी देखिए इस तरह से छील लेना है। और एक वायर और लगा लेते हैं जो कि इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए उसे भी न्यूट्रल चाहिए। तो देखिए यहाँ सॉकेट में इसे लगा लेंगे। तो यहाँ से इस टर्मिनल में पहले ढीला करके इसमें इन करेंगे और इन करने के बाद देखिए अब क्या करना है कि इसे फुल टाइट कर देना है। तो देखिए इस तरह से टाइट हो गया दोस्तों। अब हम
यहाँ से भी इसे मेन लाइन बना सकते थे, लेकिन पहले हम इसमें इंडिकेटर में दे देते हैं लाइन, और इंडिकेटर में देने से पहले एक वायर और कॉमन उठा लेंगे जो कि हम मेन लाइन बनाएंगे, इस बोर्ड को कॉमन देंगे। तो यहाँ से देखिए इसका जो ऊपर वाले टर्मिनल इंडिकेटर का, उसमें इसे इनकर फुल टाइट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से टाइट कर लिए, अब जो है देखिए कॉमन इस तरह से चला गया, और जो मेन लाइन है रेड वायर इस तरह से सारे स्विच और फाइव पिन सॉकेट में चला गया। तो ये जो दो स्विच बचा उसे भी कनेक्शन करना है फैन के लिए, फैन भी लगा सकते हैं या बल्ब के लिए भी ले जा सकते हैं। तो देखिए दोनों में से ब्लैक वायर को साइड कर लिए, और ब्लैक वायर को हम इस उसी तरह इसको इससे भी कॉमन बना लेंगे, और कॉमन बनाकर देखिए यहाँ से जो ऊपर से जो आया है इंडिकेटर में कॉमन का ब्लैक वायर, उसमें देखिए इसको इन कर देंगे इस तरह से, और इन करने के बाद इस स्क्रू ड्राइवर से इसे फुल टाइट कर लेंगे। तो देखिए टाइट कर लिए, अब देखिए दोनों जो एक फैन के लिए है और एक बल्ब के लिए है दोनों को रेड रेड वायर बच गया। तो देखिए इस साइड से दोनों स्विच में एक एक टर्मिनल बच रहा है दोस्तों। तो इस टर्मिनल को देखिए सबसे पहले ढीला कर लेंगे, और ढीला करने के बाद देखिए इसमें लगा कर टाइट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइट कर लेंगे लगा के, अब देखिए एक कनेक्शन और बच गया। तो देखिए इससे भी क्या करना है कि साइड वाले स्विच में के नीचे टर्मिनल में इसे भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे इन कर लिए, और स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लिए। तो देखिए इस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों, आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे। अब क्या करना है कि इस बोर्ड में ये जो तार है इसे इस बोर्ड के बाहर कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे बाहर कर लिए, और बाहर करके देखिए आपको हम इसे टेस्ट कर दिखा देते हैं। तो देखिए यही रेड और ब्लैक दो मेन बोर्ड का मेन तार है, तो इस दोनों मेन तार में हम इसे जो लाइन आता है देखिए यहाँ से लाइन जोड़ लिए। अब देखिए क्या करना है कि इसे बोलने लगाएं, देखिए ये ग्लो करने लगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।